अच्छा here we go, we are starting with economic efficiency. इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या है, दो चीजों में डिवाइडेड है. इकोनॉमिक एफिशिएंसी में होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंट होना. एंड दूसरा, मैं इसमें मार्केट थोड़ा चेंज कर लेता हूं, दूसरा होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी. अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, यानी कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंट होना, यानी कि यूजिंग लेस कॉस्ट या यूजिंग लेस इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट. बात सही है, ये भी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है. Using less input for producing an output, यानी कि production के अंदर आप efficient हो गए, आपका input use करना है output बनाने के लिए. अच्छा, allocative efficiency is like allocating the quantity to the right amount. यानी कि allocative efficiency क्या है? Producing output to a level which is socially desirable, यानी कि जो socially desirable level तक बनेगा. अगर हम इसके बारे में graph बनाएं, productive efficiency and allocative efficiency, अगर मैं by graph explain करूं इस concept को, अगर मैं यहाँ एक graph बना रहा हूँ, productive efficiency होती कब है? Production के अंदर efficient होना. Let's suppose मैं ये marker खरीदने जाता हूँ, इमरान एक marker अंदाज़न कितने का आता है? 25 रुपीस का. सही है, एक मार्कर तकरीबन हम लोग 25, एक्चुअली मुझे रेट नहीं पता क्योंकि बल्क में खरीदता हूँ इसको, तो अगर मैं एक खरीदने जा रहा हूँ तो 25 रुपीस का पड़ रहा है. अगर मैं ये 1000 खरीदूँ उर्दू बाजार से, तो कितने का पड़ेगा ये? मेरे को 15 रुपए का पड़ेगा, 18 रुपए का पड़ेगा. तो जितना बल्क में खरीद रहा हूँ डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? डिस्काउंट मिल रहा है. इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द इजीएस्ट फॉर्म. इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो और गहरा टॉपिक है, इंटरनल एक्सटर्नल, सही है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं. सही है. अच्छा, यानी कि इस साइड पे अगर मैं बात करूं, इसको यहां मैंने लिखा कॉस्ट और यहां लिखा है मैंने आउटपुट. सही है, अगर मैं इतनी क्वांटिटी बना रहा हूं, ये देखिए ये ग्राफ इस शक्ल का बनेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 1000 क्वांटिटी अगर मैं खरीदता हूं तो 15 रुपए लगा लेते हैं, 15 का पड़ेगा. अच्छा, लेकिन अगर मैं 1000 नहीं खरीद रहा, वैसे तो 25 रुपए इसकी प्राइस है, 25 रुपीज, अगर 1000 नहीं खरीद रहा, मैं खरीद रहा हूँ सिर्फ 400. सही, 400 अगर मैं खरीद रहा हूँ तो क्या होगा? दुकान वाला बोलेगा सर 400 अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं आपको 22 रुपीज का दूंगा. तो एक बात बताएं, यहाँ कॉस्ट 22 रुपीज पड़ रही है अगर मैं इतना खरीद रहा हूँ, यानी क्या इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ. सही है, 400 अगर कर रहा हूँ तो 22 का पड़ रहा है, 1000 कर रहा हूँ तो मुझे पड़ रहा है 15. चलो, मुझे किसी ने बोला सर एक काम करो, या मैंने कहा मुझे 1500 मार्कर चाहिए, उसने कहा सर 1500 मार्कर के लिए तो हमें एम्प्लॉइज को बोलना पड़ेगा ओवर टाइम काम करें, हमारे वर्कर की कैपेसिटी ही लेट्स सपोज 1000 मार्कर पर डे, 1500 बनाने के लिए मुझे उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा. सही, ओवर टाइम या एक्स्ट्रा लेबर हायर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेबर. तो यहां से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है. मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट किस जगह पे सबसे कम है? 1500 पे कॉस्ट कम है, 400 पे कम है, या 1000 पे कॉस्ट कम है? 1000 पे कॉस्ट अपने सबसे लीस्ट पे है ना. तो अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ को देख के मुझे बताएं प्रोडक्शन किस जगह पे सबसे एफिशिएंट पड़ रही है, कॉस्ट सबसे कम कहां पड़ रही है, कहां सबसे कम कॉस्ट का पड़ रहा है रॉ मटेरियल, मुझे मैं खरीदने जा रहा हूं मुझे कितने का पड़ रहा है? 1000. तो यानी कि ये जगह जो है इसको क्या बोलेंगे, 1000 वाले पॉइंट को बोलेंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑन ग्राफ. मैं एक और ग्राफ में भी आगे वाले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि ये तुम लोगों को समझ में आया. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ग्राफ के ऊपर अगर आपको देखनी है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट का, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यहां होती है. अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, जो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं पूरा. सोशली डिजायरेबल लेवल, चलो इसको भी ग्राफ पे देख लेते हैं.
अच्छा, जितना बनाते जाओगे आपकी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ती है, सबको पता ये चीज है ना भाई, जितना बनाते जाओगे प्राइवेट कॉस्ट बढ़ेगी। मैं यहाँ टायर बनाता हूँ इस जगह पे, सही है, एक टायर बनाऊंगा 1,000 की कॉस्ट आएगी, दो टायर बनाऊंगा 2,000, तीन टायर बनाऊंगा, जितने टायर एक बना रहा हूं तो 1,000 की कॉस्ट, दो टायर बना रहा हूं 2,000, तीन टायर बना रहा हूं 3,000, आपके सामने है मेरी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मुझे एक बात बताएं, अगर एक टायर बनाऊंगा प्राइवेट कॉस्ट तो बढ़ रही है, एक मिनट नहीं, अगर मैं इसको मिटा के आपके सामने ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एक्सटर्नल कॉस्ट है कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी, सोसाइटी पे जो कॉस्ट पड़ी है, एक टायर बनाने में कम धुआं होगा, पता भी नहीं चलेगा, लोग समझेंगे बारबेक्यू हो रही है ऊपर, सही है, दो टायर बने, तीन बने, चार बने, लोग कहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, आग लगी है क्या, सही है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो यानी कि प्राइवेट कॉस्ट का भी ग्राफ ऊपर जाता है, एक्सटर्नल कॉस्ट। मुझे एक बात बताएं, मुझे यहाँ मैं टायर बना रहा हूँ, मुझे टायर बनाते हुए कॉस्ट आती है मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए की, ये मेरी प्राइवेट कॉस्ट है, मैं लोगों को तंग करता हूँ 4,00,000 रुपए का, तो मेरा 1,00,000 रुपए प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है 4,00,000 रुपए, लोगों को तंग करता हूँ, दोनों को जोड़े प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट 5,00,000, तो यानी कि सोशल कॉस्ट भी तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, अगर सोशल कॉस्ट का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सोशल कॉस्ट भी तो ऊपर जाएगा, सही है, तो सोशल कॉस्ट पूरी जितनी प्रोडक्शन करेंगे सोशल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, सबको क्लियर हो गया, सोशल कॉस्ट बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ती है, क्योंकि सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट भी है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, कंप्लीट कॉस्ट है ना, तो पूरी, इसी तरह से प्राइवेट बेनिफिट नीचे जाता है, एक्सटर्नल बेनिफिट भी नीचे जाता है, सोशल बेनिफिट भी इसी तरह से नीचे जाता है। अगर कोई बोले कि यार इतनी क्वांटिटी बनाई, ये कॉस्ट है एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट, अच्छा ये आउटपुट है, सही है, आउटपुट यहाँ पे लिखते लिखते इस पे लिखते लिखते डिफरेंट, सही है। अच्छा अगर मुझसे कोई पूछे कि सही तुम यहां तक बना रहे हो 70, मैंने कहा 70 बनाने में यार लेकिन मेरी कॉस्ट कम आ रही है, सोसाइटी में कॉस्ट कम आ रही है, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर सही बात बताएं 70 यूनिट अगर बनेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा सोसाइटी में कॉस्ट आ रही है तकरीबन मिसाल के तौर पर 3,00,000 की कॉस्ट आ रही है, सही है, एंड सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है इसका 5,00,000 का, तो यानी कि सोशल बेनिफिट ज्यादा है, सोशल कॉस्ट कम है, जब बेनिफिट ज्यादा होता है कॉस्ट कम होती है, आपके सामने ये लाइन बेनिफिट की है, बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, हाँ लेकिन जितना आगे बनाते जाएंगे और तो क्या होगा, बेनिफिट कम होता जा रहा होगा, कॉस्ट बढ़ी होगी, लेकिन ये ग्रीन एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। यहां तक अगर मैं ले आया 100 यूनिट तक, इसको बोलते हैं सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि इस जगह पे सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट सेम हो गया, मैं कहूंगा यहां तक बना दें, सोसाइटी तंग नहीं हो रही, उनको जितना बेनिफिट मिल रहा है उतनी कॉस्ट आ रही है, ऑप्टिमम लेवल है, इसको मैं सोशली डिजायरेबल लेवल बोल रहा हूं, चलो इसकी दम खींच के यहां ले आया, सोशली डिजायरेबल लेवल है, सही है। अच्छा मुझसे किसी ने कहा मुझसे ये काम करो यार, अगर हम लोग 130 बनाए, मैंने कहा 130 अगर बनाओगे देखो बेनिफिट कम होना शुरू हो गया, इस पॉइंट के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये एरिया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, सोसाइटी को नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है इस बिजनेस से देन बेनिफिट, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये वाला पार्ट सोशली डिजायरेबल लेवल है, सही है, इसको भी एक काम कर लेते हैं ताकि इससे मिलता जुलता बन जाए, 1000 कर लेते हैं और 1300-1700 सेम चीज है, तो यानी ये दिखा रहा है कि 1000 अगर हम लोग यहां बना रहे हैं तो ये क्या है सोशली डिजायरेबल लेवल है, ये भी क्या है प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट है एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है, ये टॉपिक आई रिपीट थोड़ा और डेप्थ में जाता है लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड मेथड अभी है इसका, सही है, यानी कि ये क्या हुआ एलोकेटिव एफिशिएंसी इस जगह पे जहां आप एलोकेट कर रहे हैं और ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इस जगह पे। अच्छा अभी क्लियर यहां तक, अभी अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं उस पे, कहते हैं प्रोडक्टिव एलोकेटिव, हमें समझ में आ गया प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी बेसिकली है क्या, अब हम टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक के अंदर अगर बात करूं अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर, चलो हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ये इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट में कौन कौन से मार्केट होते हैं, कितने, 4 होते हैं, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चलो ये भी लिख देते ताकि हमें याद रहे, मोनोपोली, डुओपोली एंड ओलिगोपोली
ये एक प्रोड्यूसर, दो प्रोड्यूसर, चंद प्रोड्यूसर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बट उन बहुत सारे प्रोड्यूसर में चंद प्रोड्यूसर के पास, चंद या एक प्रोड्यूसर के पास मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, तो ये इम्परफेक्ट मार्केट है, ये तो समझ में आ गया कि इम्परफेक्ट मार्केट में होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं होती, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं होती मोनोपोली के अंदर, मोनोपोली या इनपरफेक्ट मार्केट। वो कहता है मैं कंज्यूमर को वैसे ही लूट लेता हूं, सही है, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूं मैं जो प्रोडक्शन के अंदर अपने आप को एफिशिएंट करूं, जो मुझे कमाना है मैं तो वैसे भी कमा सकता हूं, तो ये प्रोडक्टिवली भी एफिशिएंट नहीं होता। अच्छा, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ना ये एलोकेट सही करता है। मोनोपोली क्या करता है, मोनोपोली अपना बेनिफिट देखता है, मोनोपोली कहता है भाई मुझे प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट से मतलब है, सही है, मेरी जो प्राइवेट कॉस्ट आ रही है प्राइवेट बेनिफिट, हाँ भाई फीस कितनी दे रहा है 5,000 फीस दे रहा है, सही है, मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है 3,000, हाँ 2,000 का प्रॉफिट है। अगर मिसाल के तौर पर अब मुझे एक और स्टूडेंट को बिठाने के लिए कॉस्ट 6,000 आ रही है प्राइवेट कॉस्ट, और प्राइवेट बेनिफिट 5,000 आ रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, सही है, तो इस तरह से प्राइवेट फंड वो अपनी प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट को देख के ही प्रोडक्शन को डिसाइड करता है, फिर वो एक पॉइंट पे आगे आकर रोक देता है, सही है, अब मुझे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करना है प्राइस कम करनी पड़ेगी, सही है, तो क्या होगा बेनिफिट कम हो रहा होगा, कॉस्ट बढ़ रही होगी, बड़ी जगह चाहिए और बड़ा रेंटल पे जाना पड़ेगा, सही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट सेम हो गया, मैं रोक दूंगा प्रोडक्शन, चल भाई इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना। अब वो हो सकता है वो पॉइंट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाला हो, अंडर प्रोडक्शन हो रही हो, या हो सकता है ओवर प्रोडक्शन हो रही हो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में हो। तो ये जो है मोनोपोली अक्सर क्या करता है आप बताएं, बहुत ज्यादा बनाता है या बहुत कम बेच के ही अपना बहुत प्रॉफिट निकाल लेता है, बहुत कम बेच के ही अपना प्रॉफिट खींच लेता है अकेला से, ये उसको पता है कोई और है ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट होता है। तो एक बात याद रखें, जब प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है, एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती ही नहीं है इम्परफेक्ट मार्केट में, है ना, आर वी क्लियर विद दिस। अच्छा, अब मैं एक और चीज इसी से मिलती जुलती लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, अब कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये सेम ग्रीन मार्केट इसी की तरह यूज कर रहा हूं, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, इसमें कौन सा ब्लू मार्केट यूज करूं, सही, इसमें कौन से कितने यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर्स मजीद होते हैं, इसमें एक ही होता है, इसमें इसके अंदर क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, हजारों प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि जो ब्रेड एग सॉल्ट शुगर बेच रहे हैं एंड मिसाल वेजिटेबल वाला यू नो फल वाला मकई वाला, ये सब परफेक्ट कंपटीशन है, यू कैन डिस्टिंग्विश देम, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम है, इसलिए वो ब्रांड भी नहीं करते, उसको पता है मेरी दुकान से नहीं खरीदेगा या मेरे ठेले से नहीं खरीदेगा, दूसरे के ठेले से खरीदेगा, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, आप बताएं इतना खतरनाक कंपटीशन है, प्राइस बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, कौन बढ़ाएगा प्राइस, कोई खरीदेगा ही, सबको पता है कि अंडे कितने के मिल रहे हैं, सब्जी कितने की मिल रही है, तो इस बेचारे को अपना प्रॉफिट बनाएगा कैसे अपना प्रॉफिट, बेचारा अपनी कॉस्ट कम करेगा, सही, अपनी कॉस्ट कम करके ही बेचारा प्रॉफिट बना पाएगा, तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये प्रोडक्टिव एफिशिएंट हो, इसमें होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अच्छा, ये बेचारे उस लेवल तक बनाते हैं जो सोशली डिजायरेबल लेवल होता है, सही है, वो आगे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो यानी कि इसमें हमारे पास एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है, ये एलोकेट भी सही करता है, तो परफेक्ट मार्केट में क्या चीज होती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, नहीं होती, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, डबल टिक, आर वी क्लियर विद द आइडिया, सबको ये वाला पार्ट समझ में आया, आर वी क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है भाई, इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, अगर है तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है। अच्छा, किस मार्केट में होती है प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी, परफेक्ट मार्केट में होती है, ये वाले में, सही है, परफेक्ट में होती है, इसका मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है इसमें। अच्छा, इस वाले इम्परफेक्ट मार्केट में ना ही प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है ना ही एलोकेटिवली एफिशिएंट है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती ही नहीं है इसमें, अभी क्लियर विद दिस, यहां तक अभी क्लियर हुआ,
एक सेकंड उसको पॉज कर दें, रिकॉर्डिंग वाले को पॉज पॉज सही से। अच्छा गाइस, अब हम लोग बात कर रहे हैं परीटो। परीटो कौन है? इटालियन नाम है एक्चुअली, इटालियन बंदा था, उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। मैं इनिशियली समझता था ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक्स का, एक्चुअली ये टॉपिक तो इकोनॉमिक्स के अंदर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करा जाता है, नॉन इकोनॉमिक जगहों पे भी यूज करा जाता है परीटो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा परीटो ऑप्टिमैलिटी पे अगर हम बात करें, दो दो चीजें होती है इसके अंदर। परीटो अगर हम बात करें, परीटो ने दो कॉन्सेप्ट से बात करा है, परीटो ऑप्टिमैलिटी एंड एक है परीटो इम्प्रूवमेंट। परीटो ऑप्टिमैलिटी एक कॉन्सेप्ट उसने ये बोला है कि किसी का भी भला नहीं कर सकते जब तक आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी कि नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट वर्सनिंग अदर्स, यानी किसी का भला करने की किसी का नुकसान करना पड़ेगा। अच्छा, और परीटो इंप्रूवमेंट इसने एक कॉन्सेप्ट ये बोला है कि मेकिंग वन बेटर ऑफ विदाउट वर्सनिंग द अदर, यानी किसी का भला, मेकिंग वन बेटर ऑफ विदाउट वर्सनिंग द अदर। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे पास अप्लाई हो सकता है, हम इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि अगर मैं जैसे एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दे रहा था कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स की जगह है, 30 के 30 स्टूडेंट बैठे हैं, चार और स्टूडेंट मैं चारों लाने के लिए, तो किसी बेचारे चार को निकालना पड़ेगा उन चार का भला करने के लिए, यानी कि उन चार का भला करने के लिए किसी का नुकसान करना पड़ेगा, यानी क्लास अपने मैक्सिमम पे थी, ऑप्टिमैलिटी पे ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, इंप्रूवमेंट क्या है? अगर एक क्लास में बैठे ही सिर्फ 6 लोग हैं एंड 30 की कैपेसिटी है, चार और आना चाह रहे हैं कोई मसले की बात नहीं, चार और आ रहे हैं कोई मसले की बात नहीं, किसी को निकालना तो नहीं पड़ेगा ना, किसी को नहीं निकालना पड़ेगा। तो यानी कि क्या है, परीटो इंप्रूवमेंट है, देयर इज मोर रूम, और बन सकता है बगैर किसी को तंग करे हुए, सही है, बगैर किसी का नुकसान करे हुए, सो दैट्स नोन एज परीटो इंप्रूवमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूं रख के ग्राफ पे देखें, अगर इसकी ग्राफ एक्सप्लेनेशन लेके चले हम लोग, ग्राफ अगर मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, एक ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे रख के समझा रहा हूं इसको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रहा है 10-10 कंट्री मैक्सिमम, ये मैं एग्जांपल रख रहा हूं, मार्केट चेंज के से टकराए गए मार्केट, वीट गंदम 10 बोरी बन सकती है या फिर राइस 10 बोरी बन सकता है, और बन रहा है अभी इस जगह पे, अभी इस जगह पे बन रहा है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व यू लगा दो, 5 वीट बन रहा है, 5 चावल बन रहा है, टोटल 10 ही बन सकता है, रिसोर्सेज भी हमारे पास 10 एकड़ है, तो 10 लेट्स सपोज वीट की बॉटल बनेगी, 10 हमारे पास बॉटल कह रहा हूँ वीट की बैग बनेगा, एंड 10 हमारे पास राइस का बैग बनेगा। अभी क्लियर है, ये फुल पे है या फुल पे नहीं है? फुल पे, ऑप्टिमम पे है ना, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, तो ये परीटो कौन सा वाला हुआ? अब मिसाल के तौर पर मैंने बोला, मैंने कहा यार एक काम करते हैं यार, इसको 8 पे ले जाते हैं, 8 पे ले जाओ, मैं इसको यहां से उठा के यहां जाए X1 यहां, तो ये साइड बढ़ रही है या कम हो रही है? ये बढ़ाने के लिए ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये क्या हुआ? इस साइड को बेहतर करने के लिए ये वाली साइड, यानी कि परीटो, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? परीटो ऑप्टिमैलिटी, यानी कि अपने मैक्सिमम पे था, किसी को किसी एक साइड पे बड़ा होगा, किसी एक साइड का नुकसान होगा। और अगर यही चीज को मैं यूं रख के समझा दूं, यहां पे ये 10 यानी कि राइस बन सकता है, 10 वीट बन सकता है, 10 10 20, अगर 10 ये बनेगा तो ये 0 बनेगा, अगर ये 10 बनेगा तो ये 0 बनेगा। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन पिक करनी है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो सकती है, यानी कि आप मिसाल के तौर पर 5, जैसे हमने यहां करा था 5 वीट 5 राइस, टोटल 10 से ज्यादा नहीं बन सकता, 9-1 भी कर सकते हैं, 10-8-2 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं बन सकता। अगर बन ही यहां कहीं रहा है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑन द कर्व है, इनसाइड द कर्व है, इनसाइड द कर्व, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। अगर अब मैं चाहता हूं कि किसी तरह से 3 राइस बन जाए बैग्स और 3 वीट के बन जाए, यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, कोई मसले की बात तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना,
दोनों साइड पे और बन सकता है बगैर किसी का नुकसान करे हुए, या अगर एक साइड पे भी मैं और बनाना चाहूं बना सकता हूं बगैर ये साइड को कम करे हुए। तो जब गुंजाइश है तो ये बेसिकली क्या है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना, तो ये क्या है, पारीटो इंप्रूवमेंट। यानी कि इसी तरह से अगर मैं पारीटो के कॉन्सेप्ट पे रख के बात करूं, जो ऑप्टिमम लेवल है प्रोडक्शन का, ऑप्टिमम लेवल वो कौन सी जगह भी, सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट जहां सेम है, ऑप्टिमम लेवल है। अगर मैं इससे मुझसे कोई बोले थोड़ी सी और बनाओ, थोड़ी सी और आउटपुट बनाओ, तो क्या ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में चला जाएगा या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में चला जाएगा? और जब मैं बना रहा हूं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में चला जाएगा, लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी में लोग तंग होना शुरू हो जाएंगे, पोल्यूशन ज्यादा आ रहा है उस कंपनी से जितना वो कंपनी लोगों को फायदा दे रही है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में चली जाएगी। तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जॉब कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग मिस्टर इमरान के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोडक्शन करने के चक्कर में क्या होगा, और लोग तंग हो रहे हैं, नहीं तंग हो रहे हैं। तो यानी कि अगर ऑप्टिमम से आगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर चले गए प्रोडक्शन करते करते, तो इसका मतलब क्या है, परीटो इंप्रूवमेंट हुई है, परीटो ऑप्टिमैलिटी पे थे, ऑप्टिमैलिटी पे थे, सही है। आप और आगे बढ़ेंगे, अब तो क्या होगा, क्या कहते हैं, समवन हैज टू बी वर्सन ऑफ इन ऑर्डर टू मेक समवन बेटर ऑफ। अगर ऑलरेडी आप कम बना रहे थे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में थे, तो क्या होगा, और बन सकता है बगैर किसी का नुकसान करे हुए। तो ये क्या है, परीटो इंप्रूवमेंट, परफेक्ट। आर वी क्लियर? तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली जुड़ेगा जब इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारी अगली क्लास के अंदर हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। स्टॉप करते हैं उसको।